नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायरी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, कल शाम को आपका बीए पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट डाल दिया गया था राजस्थान यूनिवर्सिटी का। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन सभी प्रॉब्लमों को अपन देखने वाले हैं और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है सारी की सारी जितने भी आपके डाउट हैं मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहां पर लेकर आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जिनका रिजल्ट अभी तक निकला ही नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमेशा से रही है, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट एक साथ देखते हैं ना, तो फिर वो साइट है ना जो खुलती नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जिनका रिजल्ट निकल चुका है उनके ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, या तो आप पास दिखा रहे होंगे या फिर फेल दिखा रहे होंगे, या इनमें से कोई समस्या आ रही होगी, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है, यदि आपके पास लिखा आया है ना, तो तय मान के चलिए कि आप पास हो गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट अपना प्रतिशत निकाल लीजिए, कितनी परसेंटेज बन रही है। मैं प्रतिशत भी बताऊंगा कि आपके कैसे कितने का भाग देकर आप है ना जो परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देखो फेल है, यदि आपके फेल लिखा आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास में कोई चारा नहीं है, आप फेल हो चुके हो, आपके ये जो साल था वो बर्बाद हो चुका है। अब आप आगे जो एग्ज़ाम आएंगी उस टाइम ही दे पाओगे, मार्च में ये एग्ज़ाम दे पाओगे, तो ये साल आपका बेकार हो चुका है। इसके बाद में देखो बैक किसी के भी लिखा नहीं आता है। ठीक है, इसकी जगह क्या लिखा आता है, ये लिखा आता है। ठीक है, यदि आपके बैक रहे हैं तो ये लिखा आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसका अर्थ देख लीजिए, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकेंड, यानी आप है ना जो बी ए पार्ट सेकेंड में, बीए पार्ट यानी अगली कक्षा में आप है ना जो प्रवेश ले सकते हो, यानी अगली कक्षा की पढ़ाई कर सकते हो, जो बोर्ड का फॉर्म है वो भी लगा सकते हो जब टाइम आएगा तब। लेकिन आपके कोई कोई पेपर अवश्य ड्यू रहे हैं, चाहे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में से कोई पेपर हो सकता है या आपके जो कंपलसरी पेपर हैं उनमें से आपका ड्यू रह सकता है, उसमें दिखा नहीं रखा होगा। ठीक है, जैसे ही आपकी मार्कशीट आएगी उसमें एक स्टार का इस प्रकार का चिन्ह लगा आएगा। ठीक है, जो भी पेपर आपके ड्यू रहे हैं उसके आगे ये चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगली कक्षा में तो आपको है ना जो प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन जो पहले के पेपर हैं वो पेपर आपको देने होंगे। कब देने होंगे, इस पॉइंट में सारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है ना बैक का तो लिखा ही नहीं आता है। ठीक है, ये लिखा आ रहा होगा आपके। इसके बाद में देखो कुछ विद्यार्थी ऐसे रहे जिनके ये लिखा आ रहा है POSO, इसका मतलब क्या होता है, पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली। ठीक है, आपकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थी जो आपने ली थी, ठीक है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थी जो आपने, जैसे अपन के तीन सब्जेक्ट होते हैं उसके छह पेपर लगते हैं, तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गई, इसमें तो आप पास हो गए हो। ठीक है, लेकिन आपके जो कंपलसरी के जो पेपर थे वो कहीं ना कहीं ड्यू रह गए, और ये सारे के सारे है ना जो आप अगली बार दे पाओगे मार्च के महीने में, जब आपके सेकेंड ईयर की जो एग्ज़ाम है वो लगेगी, तब आप ये सारी की सारी चीज़ें है ना जो दे पाओगे। ठीक है, तो ये लिखा रहा है तो इसका समाधान ये है। इसके बाद में देखो RWEX, ये भी लिखा रहा होगा कई विद्यार्थियों की जो मार्कशीट है उसमें, तो इसका मतलब क्या होता है, आपका रिजल्ट है ना रोका गया है, क्योंकि जो बोर्ड फॉर्म, जब आपके बोर्ड फॉर्म लगे थे उसकी हार्ड कॉपी, ठीक है, हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी नहीं पहुंची है, या तो आपके कॉलेज वालों ने नहीं पहुंचाई है, जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं वो प्राइवेट कॉलेज वहीं जमा कराए, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से भी नहीं पहुंची है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो इसको कैसे पहुंचाना है ये देख लीजिए, 10वीं+12वीं की मार्कशीट लेनी है, और ये हार्ड कॉपी अभी आपके पास में नहीं होगी, ये हार्ड कॉपी आपको ई मित्र के माध्यम से निकलानी है, दोनों को आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाना है, वहाँ पर जमा कराना है, उसके बाद में ये रिजल्ट ठीक हो जाएगा। इसके बाद में आप देख पा रहे हो RWEN, इसका मतलब क्या होता है, देखो रिजल्ट वेट, EN का मतलब एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट नंबर की ये समस्या है। क्या समस्या है इसको मैं बताने वाला हूँ डिटेल से, इसको ध्यान से देख लीजिए। जो CBSE बोर्ड से जिन्होंने 12th पास की है और वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, या राजस्थान से अदर स्टेट में थे और उन्होंने कॉलेज में यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है, तो उनके ये लिखा आ रहा होगा, आपकी जो मार्कशीट है रिजल्ट है उसके साइड में एनरोलमेंट नंबर होते हैं, वो भी नहीं आ रहे होंगे। तो इसका देखो, यदि आप रेगुलर हो तो उसको क्या करना है, यदि आप प्राइवेट हो या नॉन कॉलेज हो तो उसके लिए क्या करना है, देखो आपको है ना जो माइग्रेशन जमा कराना है, माइग्रेशन कहीं ना कहीं आपको नहीं जमा कराए, एक तो ये, दूसरा है आपको 10वीं+12वीं की मार्कशीट, ठीक है,
इसके बाद में जो बोर्ड फॉर्म की जो हार्ड कॉपी होती है, ठीक है, बोर्ड फॉर्म की जो हार्ड कॉपी होती है वो, और इसके बाद में एक फॉर्म निकलता है एनरोलमेंट फॉर्म, ठीक है, ये इसी नाम से निकलता है, ये मित्र से निकला लीजिएगा, ठीक है। एनरोलमेंट जो फॉर्म होता है वो, इस पर आपको कॉलेज में जाकर है ना जो क्या कराना है, मोहर लगवानी है, और इन चारों चीज़ों को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपको पहुंच जाना है, ठीक है। यदि नॉन कॉलेज से हो तो आपको कॉलेज में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाना है आपको, और वहाँ पर ये जमा कराना है, सारी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आर एल लिखा आ रहा होगा, आर एल का मतलब क्या होता है, रिजल्ट लेट, किसी कारणवश रिजल्ट लेट किया गया है, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है, कोई चिंता लेने की बात नहीं है, आपको ये रिजल्ट है ना अपने आप ही हो जाएगा सही। इसके बाद में देखो आर डब्ल्यू यू एम, चिटिंग का मामला है, चिटिंग करते हुए आप है ना जो एग्जाम टाइम में पकड़े गए हो, तो इसका समाधान यही है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी आपके घर में कुछ एक लेटर भेजेगी, उसमें सारी चीज़ें उसमें क्लियर करेगी राजस्थान यूनिवर्सिटी की, ये प्रॉब्लम है और ये सब्जेक्ट आपके ड्यू रखे गए हैं, ठीक है। इसके बाद में उसमें है ना जो कुछ माफ़ीनामा एक फॉर्म होता है वो भरकर वापस वहाँ पर पहुँचाना है, और जो सारे रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद में आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके बाद में देखो रिवेल फॉर्म, जो रिवेल का जो फॉर्म है वो, यदि आपको रिजल्ट से असंतुष्टि है कि भाई मेरा रिजल्ट है ना जो ज़्यादा अंक आने चाहिए थे, मैं इसमें फेल ही नहीं हो सकता, तो आप है ना जो ये फॉर्म लगा सकते हो। अभी फॉर्म डेट नहीं आई है, एक दो दिन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है। इसके बाद में देखो ग्रेस, इसका चिन्ह क्या आता है, जी आता है, ठीक है। ये कब लगती है, जब मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है आपके, एक सब्जेक्ट में लगती है अधिकतर, ठीक है, पूरी पूरी सब्जेक्ट में पास हो रहे हो, ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपके है ना जो इंग्लिश है, ठीक है, कंपलसरी है, उसमें आपके आ रहे हैं 34 अंक, लाने कितने होते हैं 36, इसमें से 34 यानी आसपास आ रहे हो आपके, 36 यानी 34 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं, तो आपकी ग्रेस लगा के पास कर देते हैं, तो जो मार्कशीट आएगी उसमें जी का निशान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में देखो अपना प्रतिशत कैसे निकालें, आपके अंक आ गए हैं कितने भी, ठीक है, जितने भी आपके अंक आ रहे हैं उसमें से आप जो आपके 6 सब्जेक्ट है ना, जैसे 3 सब्जेक्ट आपने लिए होंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट जो मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, उनके 6 पेपर लगे होंगे, तो 6 का भाग देना है आपको, ठीक है। जैसे आपके आ रहे हैं 450, तो इसमें भाग कितने का देना है, 6 का भाग देना है, आपकी जो परसेंटेज है वो निकल कर आ जाएगी, कंपलसरी का भाग नहीं लगता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज ऐसे निकालना है, 6 का भाग देना है, आपकी जो मुख्य सब्जेक्ट चाहे कितनी भी हो उनका भाग आपको देना है, ठीक है। इसके बाद में देखो रिजल्ट नहीं निकल रहा है, ये समस्या आना जो सबके साथ में होती है आपके, ये भी हो सकता है 1 या 2 दिन नहीं निकले, आपको रिजल्ट कब निकालना है, या तो आप रात्रि में निकालो 2 से 3 बजे, या फिर सुबह निकालो 4 से 5 बजे या 6 बजे, क्योंकि उस टाइम सारे के सारे सो रहे होंगे, ठीक है, और जिसको ज़्यादा ही जल्दी है वो रिजल्ट निकाल के देखेगा, तो उस टाइम कोई रिजल्ट नहीं निकालते तो आप आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है। यदि आपसे नहीं निकल रहा है तो कमेंट बॉक्स में आपके रोल नंबर और जन्म दिनांक लिख दीजिएगा। इसके बाद में देखो बैक, यदि आपका कुछ स्टूडेंट है उनका पेपर बैक रहा है तो आपको क्या करना है, देखो पेपर जो बैक रहते हैं ना उनका अलग से फॉर्म नहीं लगता है, अब जो मार्च आएगा ना उस टाइम सभी की एग्जामें लगती हैं, उस टाइम ही आपकी ये एग्जाम भी लगेगी। जैसे आपके सेकंड ईयर में आप गए हो लेकिन आपके कुछ पेपर ड्यू रह गए हैं, तो सेकंड ईयर के 6 पेपर तो आपके लगेंगे, ठीक है, वो तो लगेंगे, लेकिन जो आपके फर्स्ट ईयर में बैक हुए हैं, जैसे 4 पेपर बैक रहे हैं, तो टोटल आपके कितने पेपर लगेंगे, 10 पेपर लगने वाले हैं, और इनके फॉर्म है ना जो जब सेकंड ईयर का जो बोर्ड फॉर्म आप भरोगे उसी के साथ में इन जो बैक रहे हैं उनके फॉर्म भी भरा लिए जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो जो फर्स्ट ईयर में जब पेपर लगेंगे तो उनके साथ में आपके जो पेपर ड्यू रहे हैं वो पेपर लग जाएंगे, ठीक है। ये बात है कि बर्डन ज़्यादा बढ़ जाता है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जितने भी डाउट थे मैंने क्लियर करा दिए हैं, कोई समस्या आ रही है रिजल्ट देखने में, समस्या आएगी क्योंकि ये हर बार होता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर देना यदि कोई प्रॉब्लम है तो, और जिनको जो पास हुए हैं उनके लिए ढेरों बधाइयाँ, आप पास हो गए हो, क्योंकि कॉलेज होता ही ऐसा है, इसमें है ना जो ड्यू है ना जो बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं और इस चीज़ को फर्स्ट ईयर में जब क्लास से स्टार्ट होती है जब पढ़ाया जाता है तब इस चीज़ को समझते नहीं है, वो अफवाहों में आ जाते हैं, कंपटीशन में चले जाते हैं, कंपटीशन की बढ़िया बात है, कंपटीशन तैयारी करो, लेकिन एक एक घंटा भी यदि कॉलेज को रोजाना देते तो जिनके पेपर बैक रहे हैं उनके पेपर कभी नहीं रहते। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।